आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, ऊपर वाला जब किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत, दौलत और शोहरत देता है तो वो बहुत मगरूर हो जाता है, ज़मीन पे उसके पैर नहीं टिकते। लेकिन आज जिस मशहूर हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ, उन्हें ऊपर वाले ने सब कुछ दिया फिर भी वो बहुत खाकसार हैं, यानी डाउन टू अर्थ। और वो हैं अपने वक्त की टॉप मोस्ट हीरोइन, बेहद हसीन और खूबसूरत निम्मी। फरवरी 1933 में पैदा हुई थी निम्मी आगरा में। उनका असली नाम है नवाब बानो। उनके वालिद का नाम था अब्दुल हकीम और वो मिलिट्री में थे। माँ का नाम था वहीदन बाई और वो बहुत मशहूर सिंगर थी। लेकिन अफसोस कि निम्मी बहुत छोटी सी थी तो उनकी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई और वो अपनी नानी के साथ अबोटाबाद में रहने लगी। 1947 में पार्टीशन हो गया और निम्मी अपनी नानी के साथ मुंबई आ गई और फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल करने लगी। तू कौन है मेरा कह दे बालम, पढ़ूं मैं तोरे पैया, ये बात भला मैं कैसे कहूँ, तू लागे मोरा सैया, तू लागे मोरा सैया हो। हम आपको बताएं कि 1949 में मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर महबूब खान एक फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था अंदाज, हीरोइन थी नरगिस और उनके साथ दो हीरो थे, राज कपूर और दिलीप कुमार। निम्मी जी अपनी नानी के साथ महबूब खान से मिलने के लिए सेंट्रल स्टूडियो गईं, लेकिन महबूब खान से पहले राज कपूर ने उन्हें देख लिया और फौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया बहैसियत हीरोइन। और उस फिल्म का नाम था बरसात और वो सुपरहिट हो गई। निम्मी का काम सबको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद यानी बरसात के बाद निम्मी ने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली। कदर जानी ना, ओ कदर जानी ना, मोरा बालम बेदर्दी दे, मोरा बालम बेदर्दी। कदर जानी ना, ओ कदर जानी ना। देखते ही देखते निम्मी टॉप मोस्ट हीरोइन बन गई और इसीलिए 1952 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया बहैसियत हीरोइन दिलीप कुमार के साथ। और उस फिल्म का नाम था आन। और हम आपको ये भी बता दें कि आन हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली कलर फिल्म थी। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई बांसुरी बजाए। दोस्तों, आपको एक राज की बात बताऊं, मेरा पेट नेम है किन्नी। राज कपूर हमेशा मेरे मम्मी पापा से कहते थे कि आपने अपनी बेटी का नाम बेबी तबस्सुम क्यों रखा, बोलने में बहुत मुश्किल है, तबस्सुम तबस्सुम समझ में नहीं आता कि क्या बोलें, आपने अपनी बेटी का नाम बेबी किन्नी क्यों नहीं रखा। किन्नी तो बहुत अच्छा नाम है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, बेबी किन्नी 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 आह। खैर कोई बात नहीं, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बरसात और उसमें एक नई लड़की को ब्रेक दे रहा हूँ। उसका असली नाम है नवाब बानो, मैं उसका फिल्मी नाम रख देता हूँ किन्नी। ये सुनते ही मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई, मैं रोने लगी, ज़मीन पे लेट के
एड़ियाँ रगड़ने लगी और कहने लगी, नहीं राज अंकल, नहीं नहीं नहीं, आप उस नई लड़की का, उस नई हीरोइन का कुछ दूसरा नाम रखो, मेरा नाम किन्नी है, किन्नी उसका नाम मत रखो। तो उन्होंने उस हीरोइन का नाम रख दिया फिल्मी नाम निम्मी। मैंने निम्मी जी के साथ कई फिल्मों में काम किया, उनमें से एक फिल्म थी राज मुकट, जो आई थी 1950 में। उस फिल्म के डायरेक्टर थे नानू भाई वकील, हीरो थे जयराज और हीरोइन थी निम्मी आपा, और मैंने उनकी छोटी बहन का रोल किया था। 1965 में निम्मी जी ने शादी कर ली, उनके पति का नाम था सैयद अली रज़ा और वो बहुत बड़े और बहुत मशहूर राइटर थे और कई बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी, जैसे अंदाज, आन, अमर, रेशमा और शेरा और सबसे बढ़कर मदर इंडिया। निम्मी आपा और उनके शौहर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो सिर्फ औलाद की। वो दोनों साहिब औलाद नहीं थे, इसलिए दोनों ने निम्मी आपा की बहन के बेटे को गोद ले लिया और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए नौ में जाग उठे होंठों की शहनाई में। निम्मी आपा अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन अफसोस कि सन 2007 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए और आपा बिल्कुल तन्हा रह गई। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा खो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। निम्मी आपा से अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है और जब हम दोनों मिलते हैं तो बहुत पुरानी पुरानी बातों को याद करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। ये मेरी बहुत ज्यादा खुशकिस्मती है कि आज मैं अपनी प्यारी निम्मी आपा के पास बैठी हूँ। आप मेरे लिए भी बहुत खुशकिस्मती है कि मेरी तुमसे आज बरसों के बाद मुलाकात हुई और हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, लगभग 60-65 सालों से जानते हैं। आपा जी मुझे आप दुआएं देती है, तुम्हारे साथ और हमेशा रहेंगी, प्राउड ऑफ यू, तुम आर्टिस्ट बहुत अच्छी हो। कमाल तुम्हारा है ये है कि बचपन में तुम इतना अच्छा काम करती थी कि बड़े हैरत होता रह जाती थी, ये बच्ची क्या काम करती है यार, ये बात है तुम बहुत अच्छा काम करती। अरे आपा शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया। और हम लोग वहाँ मोहन स्टूडियो रमनिक लाल तो वहाँ घास पर बहुत अच्छा लगता था, बहुत मजा आया। आप ऐसे जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और अभी तक वो भूली नहीं जाती है वो सब बातें, वो मुलाकातें हैं अच्छा। मैं भी कोई 25-25 वर्ष की नहीं थी, मैं भी बहुत कम सिन थी, हाँ बहुत यंग थी, और वो मेरी दूसरी फिल्म थी बरसात के बाद दूसरी फिल्म थी। हमारे डायरेक्टर का क्या नाम था, नानू भाई वकील, नानू। और आपा जी आपको वो याद है ना कि राज अंकल ने मेरा नाम कैसे, आपका नाम निम्मी पड़ा, याद है ना? मेरा नाम किन्नी था और राज अंकल रखना चाहते थे आपका नाम किन्नी, तो मैं रोने लगी, नहीं मेरा नाम आया नहीं कीजिए, तो उन्होंने फिर आपका नाम निम्मी रखा और निम्मी ने सारी दुनिया पे राज किया, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री में राज किया, बहसियत हीरोइन, बहसियत बेहतरीन अदाकारा और पूरी दुनिया पे राज किया बेहतरीन
बस इंसानियत का जलवा जलवा। निमी आपा अक्सर मजाक में कहती हैं कि अरे तू उम्र में तो मुझसे बहुत छोटी है लेकिन फिल्मों में सीनियर है। तू 1946 में आई थी और मैं 49 में, और हम दोनों बहुत हंसते हैं। निमी आपा बचपन से लेके आज तक मुझे बहुत ज़्यादा चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं और हमेशा दुआएं देती रहती हैं। तो देखा आपने निम्मी आपा का प्यार मेरे लिए। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।